अनाउंस करछि नामगुली आमादेर आजकेर पताका उत्तोलन करबेन नेशनल फ्लैग আমাদের কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে প্রথমেই পতাকা উত্তোলন পতাকা উত্তোলন দিচ্ছেন আমাদের দলীয় পতাকা উত্তোলন করলেন মাননীয় সভাপতি দিলীপ সিনহা মহাশয় আমাদের মঞ্চে এসে অজয়জিকে অনুরোধ করছি উনাকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্য ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আফিস যুব কংগ্রেসের ইনচার্জ এসআই আহমেদ খানকে অনুরোধ করছি মঞ্চে এসে পুষ্পতবাক দেওয়ার জন্য আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ইনচার্জ নেতাজি মহোদয়কে অনুরোধ इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर आप सब लोग को जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी शुभकामनाएं आदरणीय प्रजीत जी सुदीप जी समीर बर्मन सर गोपाल रॉय सर आशीष जी जगेंद्र जी राघव दास जी प्रशांतो जी एहसान जी और उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के परिवार के सदस्यगण और हमारे प्रेस के साथ देखिए भारत के पहला महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े में करके पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है इस देश के इतिहास में वैसे कोई प्रधानमंत्री अभी तक नेहरू जी को छोड़कर के वैसे कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं रहा है उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं सुदीप बर्मन जी जो ये भारत जोड़ो यात्रा के चेयरमैन है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं समीर बर्मन साहब गोपाल राय आशीष जी और पीछे से पूरी तरह से मेहनत करने वाली हमारी साथी जरिता जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया ये कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा बचाओ यात्रा क्योंकि त्रिपुरा बचाना भी है ये 1200 किलोमीटर पैदल चली 1200 किलोमीटर 16 टीम है 16 टीम्स 16 टीम हर एक विधानसभा त्रिपुरा के एक एक विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे क्योंकि अब जो स्थिति त्रिपुरा में ऐसी उत्पन्न हो गई है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर की कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में नहीं है हर पार्टी अपने क्षेत्र में ठीक है लेकिन देश में हो या त्रिपुरा में देश में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त कर सकती है और त्रिपुरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस त्रिपुरा